साबिक रुकन सुबाई और साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी अदनान, जिनको 12 फरवरी को पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के करीब फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था, और कत्ल की एफआईआर में मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर, उनके बेटे एमएनए दानियाल चौधरी, उसामा चौधरी, चौधरी चंगेज, लुकमान कामिल को नामजद किया गया था। बाद में पुलिस ने उजरती कातिलों जुनेद हुसैन और दानिश भट्टी को कराची से गिरफ्तार किया था, और गिरफ्तारी के बाद उनके बयान की रोशनी में नामजद मुलजमान के नाम नो फ्लाई जोन में शामिल किए गए थे। अब चौधरी अदनान कत्ल केस की तहकीकात करने वाले एसएचओ एजाज अजीम को कल्लू लाइन कर दिया गया। थाना सिविल लाइंस के नए तैनात होने वाले एसएचओ का मुलजिमान के साथ रवाबत का इंकशाफ भी हुआ है। मुकदमे के नामजद मुलजिम एमएनए दानियाल चौधरी के इंस्पेक्टर सिकंदर नवाज की साथ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। चौधरी अदनान के लवाजिन का कहना है कि इंस्पेक्टर सिकंदर नवाज हमारे मुकदमे में असरअंदाज होगा, जिसके मुलजिमान के साथ पुराने तल्लुकात हैं।